महाभैरव अष्टमी पर ज्वालामुखी के प्राचीन भैरव मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग में सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किया गया। भैरव के जन्मोत्सव पर मंदिर को फूल झालर से मंदिर का श्रृंगार किया गया। भैरव के प्रिय पान सुरा का भी भोग लगाया गया। दर्शन करने के लिए भक्त सोशल डिस्टेंस के मद्देनजर कतार में दिखे। मंदिर में सूक्ष्म रूप से भोग प्रसाद लगाया गया। पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि अष्टमी के दिन मंदिर में भैरव पूजन किया गया और उनके प्रिय भोग उन्हें लगाए गए। कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम सूक्ष्म हुआ और भैरव नाथ से महामारी के नाश के लिए अरदास की गई। बाबा भैरव मंदिर में पंचामृत स्नान के बाद अभिषेक किया गया। सिंदूर लेपन नए वस्त्र धारण के बाद मंदिर का पट खोल दिया गया। पुजारी द्वारा बाबा की महाआरती की गई। बटुक को भोजन के बाद सूक्ष्म भोजन का कार्यक्रम किया गया। हवन पूजन के बाद महाआरती हुई और इसी के साथ पंचम काल का भोग लगाया गया। जय भैरव बाबा की। आज काल भैरव अष्टमी के महापर्व पर भैरव बाबा जी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, शत्रुओं का नाश करें। आज का जो पर्व है, जो कार्तिक मास मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव जन्मदिन पूजन के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन ही ये जो विशेष अष्टमी का पर्व काल भैरव अष्टमी के निमित्तार्थ तामसिक पूजा के रूप में सभी भक्तजन भगवान भैरव जी की पूजा करते हैं और भगवान भैरव जी को सात्विक राजसिक और तामसिक तीनों रूपों में इनकी पूजा की जाती है। सात्विक रूप में भगवान को फलों का भोग लगता है और राजसिक में मिष्ठान और घर में बने हुए व्यंजनों का भोग लगता है, उसमें उड़द के बड़े जरूर होने चाहिए, और तामसिक में बलि पूजन और मद्रा का भोग भी भगवान भैरव जी को लगता है। भगवान भैरव जो है वो माता देवी ज्वाला मैया के दुर्गा मैया के दूसरे पुत्र के रूप में यहाँ विराजमान हैं। प्रथम पुत्र जो है हनुमान जी आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे चलते हैं। स्वान कुत्ता इनका वाहन है और ये बड़ी से बड़ी विकट स्थितियों को भी थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। और आज का ये दिन काल भैरव अष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं भी सभी भक्तों से ही निवेदन करूँगा कि जिनकी भी कोई जो इच्छा हो वो आज एक दिन में भी भैरव जी का पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार की पूजा शामिल है। उसमें धूप, अक्षत पुष्प और मदिरा का भोग बाबा जी के लगाओ। जो सात्विक लोग हैं वो उड़द की दाल का भल्ले बनाकर उसमें दही में डुबो कर भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओम काल भैरव नमः, ओम उन्मत्त भैरव नमः, ओम अनंत भैरव नमः, ओम अतिसांग भैरव नमः, ओम रूप भैरव नमः, ओम चंड भैरव नमः, ओम क्रोध भैरव नमः, ओम संहार भैरव नमः, ओम श्री उन्मत्त भैरव नमः, ओम श्री महादेव भैरव नमः। ये मंत्रों से भी आप सूक्ष्म रूप से भगवान भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। इनको बटुक भैरव का रूप भी कहा गया है। जब देवताओं ने असुरों का वध करने के लिए की महा सती को उनको आह्वान किया था तो उन्होंने सभी राक्षसों का भक्षण कर लिया और उस अवस्था में माता काली के रूप में जो देवी प्रकट हुई उसका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। उस क्रोध को शांत करने के लिए सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी के पास गए कि आप ही हमें इस विकट स्थिति से बचा सकते हैं। तब भगवान जी को इस बात का आभास हुआ कि माता जो है वो हमेशा जितना भी क्रोध करे लेकिन अपने बच्चों पर कभी क्रोध नहीं करती है, तो क्यों ना मैं एक बच्चे के रूप में महाकाली के सम्मुख जाता हूँ ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। तो भगवान ने एक बाल रूप का धारण कर लिया और माता के चरणों में आकर पड़े रहे और वहाँ गिड़गिड़ाने लगे। तब काली माता ने उनकी तरफ देखा तो उनके अंदर ममता जागृत हो गई और जो क्रोध था वो क्षण मात्र में दूर हो गया और उन्होंने उस बालू को अपने हाथों में उठाया। तो इसलिए इनको बटुक जी का रूप कहा गया है। ये भगवान शंकर जी का ही रूप है जो बाल रूप में हम बाम बटुक देवता के रूप में इनका पूजन करते हैं। तो आज का ये दिन महाकाल भैरव अष्टमी के रूप में आप सभी भक्तों को मन चाहा फल देने वाला है और जो भी इस दिन भगवान भैरव जी की पूजा करता है और इनमें पूजा में आपको मस्टर्ड ऑयल कड़वे तेल का घी चलाएं उससे ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जय भैरव बाबा की।